24 फरवरी की शाम में पूर्व विधायक राजीव पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कुछ हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी। उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे दो पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमान्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है तथा इस घटनाक्रम में जो अभियोग थाना धूमनगंज पे कायम हुआ था उसमें 6 लोग नामजद थे तथा कुछ अन्य लोग शामिल थे। इस क्रम में पुलिस ने शुरू से ही प्रकरण की महत्ता को समझते हुए विशेष टीमें गठित की थी। इसके लिए हमारे एसटीएफ की टीम भी लगाई गई थी। प्रतिदिन इस प्रकरण का अनुश्रवण पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वयं किया जाता था तथा शासन को अवगत कराया जाता था। दिनांक 24 तारीख को 24 फरवरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अरबाज जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था घटना के दिन उसकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी तथा इसका एक साजिशकर्ता सदाकत 27 फरवरी को जेल भेजा गया था। स्थानीय स्तर पे सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 पहले फिर बाद में उस इनाम राशि को 50,000 बढ़ा के किया गया था तथा उसमें से 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 2,50,000 का इनाम पुलिस महानिदेशक के द्वारा 5 मार्च को किया गया है। इस विवेचना के शुरुआत से ही इस घटना के तत्काल बाद ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी जिसमें थाना प्रभारी कौड़ियारा प्रभारी खीरी और थानाध्यक्ष शंकरगढ़ ये स्वयं शामिल थे तथा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र वो भी घायल हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था
उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आगे की जो विधिक प्रक्रिया है वो अमल में लाई जा रही है। इस दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा इस घटना में सम्मिलित लोगों को, जिन्होंने अवैध तरीके से घर इत्यादि बना रखे थे, उस पर ध्वस्तीकरण की वैधानिक कार्रवाई की गई है और ये एक प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे तथा जल्द से जल्द सभी एविडेंसेस कलेक्ट करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इनके सफल प्रोसिक्यूशन की हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये सभी विवेचना के बिंदु हैं। वैसे हमारा सभी एजेंसी और सभी जो अन्य राज्य हैं सबके साथ हमारे अच्छा समन्वय है और रियल टाइम बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। ये एक जनरल मैं बता रहा हूँ और जहाँ तक इस घटना के विवेचना से संबंध है उसमें विवेचना चल रही है और मैंने आपको स्पष्ट किया है कि अपराधी जहाँ भी होंगे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। इसका नाम जी वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीज़ें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। हम सभी नामजद अभियुक्तों के गिरफ्तारी का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको हम गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश करें। सर कहा ये भी जा रहा है कि असद की जो लास्ट लोकेशन है वो नेपाल बॉर्डर के पास भी है, क्या ये सही खबर है? इन सब ये विवेचना के पहलू हैं, इस पे ओपन डोमेन में बात करना विवेचना के हित में नहीं। धन्यवाद। कई अपराधी सर एक सवाल ले लीजिए पकड़े गए हैं, कई मारे गए हैं, अब तक उमेश पाल हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है? ये उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे और इस लगातार जो इसमें नामजद अभियुक्त रहे हैं उनके विरुद्ध गवाही दे रहे थे और ये रंजिश प्रथम दृष्टया उभर के आई है जिसके कारण ये घटना कारित हुई। जमीनों को लेकर भी कोई विवाद? ये कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक प्राइवेट जीवन में रहता है उसके तरह तरह के पहलू रहते हैं। फिलहाल जो जिस कारण ये घटना हुई है उस वो प्राइमा फेसाई
गवाही देने के से संबंधित। सर क्या अतीक का अभी तक कोई सीधा कनेक्शन आया? नामजद आरोपी अतीक को भी बनाया, क्या इनमें से कोई ऐसा आरोपी है जो अशरफ से या अतीक से बीते दिनों जेल में मिला है, साबरमती या बरेली? ये जैसे मैंने आपको बताया कि घर के जो इसके कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा इसमें जो नामजद अभियुक्त किए गए हैं, उसके अलावा सभी पहलुओं पे विस्तृत विवेचना चल रही है और इसमें कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूख का। धन्यवाद।